दोस्तों, अगर आप भी अपनी छुट्टियां मनाने जापान जा रहे हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं तो जापान जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों, आपने नार्कोस का नाम तो जरूर सुना होगा। एक मिनट, पहले मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि सफर रोमांचक होने वाला है। नार्कोस नेटफ्लिक्स के टीवी सीरीज का नाम है। नार्कोस पाब्लो एस्कोबार नामक शख्स की जीवनी पर आधारित टीवी सीरीज है। पाब्लो एस्कोबार एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। इतिहास में उसके नाम कई मर्डर, चोरियां, डाका और कई संगीन अपराध दर्ज हैं। लेकिन पाब्लो एस्कोबार का एक दूसरा रूप भी है। पाब्लो एस्कोबार जब कभी भी किसी गरीब लाचार पर अत्याचार होते दिखता था तो उसका खून खौलने लगता। एस्कोबार से लोग डरते थे और वही कई लोग उसे मसीहा भी मानते थे। कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर पाब्लो एस्कोबार के यहाँ आता था तो पाब्लो एस्कोबार हर हालत में उसकी मदद करते थे। अपनी ताकत और अपने पैसे से वो सभी गरीबों की मदद किया करता था। तो ये था पाब्लो एस्कोबार का दूसरा पहलू, जो उसे डाकू के साथ साथ कहीं ना कहीं एक मसीहा भी बनाता है। अगर आपको पाब्लो एस्कोबार को अच्छी तरह से समझना है तो आप वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई मूवी देख सकते हैं। पाब्लो एस्कोबार की कहानी कहीं ना कहीं सुल्तान मिर्जा से मैच करती है। आगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खतरनाक गैंग्स द्वारा अपने आप को मसीहा बताना सिर्फ पाब्लो एस्कोबार तक ही सीमित नहीं था। दोस्तों, जापान में एक और बहुत ही खतरनाक गैंग है जिसका नाम याकूजा है। इस गैंग के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो जापान जाने से पहले दो बार तो जरूर सोचेंगे। चलिए जानते हैं याकूजा गैंग की काली करतूतों के बारे में और देखते हैं इस गैंग में कितनी इंसानियत है या फिर ये लोग अपने आप को अच्छा बताने का ढिंढोरा पीटते हैं। दोस्तों, याकूजा गिरोह सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस गैंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें मौजूद सभी मेंबर के बदन पर टैटू बने होते हैं। जापान में टैटू हमेशा से कैदियों और माफियाओं की निशानी रही है, लेकिन याकूजा गिरोह ने इन टैटू को एक अलग ही दर्जा दिया। इनके शरीर पर बने टैटू हर किसी से अलग है और सारे टैटू एक से बढ़कर एक हैं। कहा जाता है याकूजा गैंग में टैटू का प्रचलन 19वीं सदी से चला आ रहा है और आज इस गैंग में शामिल होने से पहले हर सदस्य को अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाना पड़ता है। याकूजा के टैटू से जुड़ी एक डरावनी बात यह है कि ये टैटू किसी मशीन से नहीं गोते जाते बल्कि बांस से बनी पतली तिनकों से गोदे जाते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। याकूजा गैंग के अपने कई रिवाज हैं जिसमें टैटू का चलन सबसे ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों, माना जाता है याकूजा गैंग की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। तब बुराकुमिन वर्ग जापान में सबसे तुच्छ माना जाता है। इस वर्ग के लोगों को समाज में नहीं अपनाया जाता, इन्हें बहुत नीचा दिखाया जाता है। यहाँ तक कि सरकार भी इन पर ध्यान नहीं देती थी। गरीबी और पक्षपात के कारण जब समाज में जगह नहीं मिली तो अपने पेट के लिए बुराकुमिन जाति के लोगों को चोरी, डकैती और जुए का सहारा लेना पड़ा। बुराकुमिन वर्ग दो अंशों में बटा था, टेकिया और बकूटो। दोनों अंश चोरी, डकैती और गैम्बलिंग का काम करते थे। टेकिया अंश जगह जगह से चोरी हुए सामानों को त्योहारों के समय में मेलों या बाजारों में बेचा करते थे। वहीं बटुका समाज के लोग खाली पड़े गिरजा घरों में गैर कानूनी गैम्बलिंग चलाया करते थे। धीरे धीरे इनका यह धंधा बड़े पैमाने पर होने लगा। चोरी और डकैती जैसे छोटे छोटे अपराधों को अंजाम देने के लिए ये वर्ग प्रचलित हो गया और वो दिन भी आ गया जब इसने गैंग का रूप धारण कर लिया। अब सरकार को भी इनकी महत्ता का पता चल गया था, परंतु चौंका देने वाली बात ये थी कि सरकार भी इनसे मिल गई थी और उनकी करतूतों पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ नहीं करती थी। इनका बिजनेस अब केवल चोरी डकैती में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स डीलिंग, पोर्न इंडस्ट्री और तो स्टॉक मार्केट स्कैम तक फैल चुका था। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते ये संगठन जापान में एक प्रभावशाली गैंग के रूप में माना जाने लगा और इस गैंग का नाम याकूजा रखा गया और याकूजा जापान का सबसे खतरनाक गैंग बन गया। वर्ल्ड वॉर टू के समय याकूजा की पॉपुलेशन 18 लाख पहुंच गई थी। अब आगे मेरी बात पर गौर कीजिएगा, इस गैंग के सभी मेंबर एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं। इस परिवार में कुछ अच्छे तो कुछ बहुत ही भयानक रीति रिवाजों को माना जाता है। गैंग में शामिल होने वाले नए सदस्यों को कोबून का टैग दिया जाता है। कोबून का मतलब होता है बच्चा और उस सदस्य को बॉस को ओयाबून यानी आश्रय देने वाला कहा जाता है। हर सदस्य का दीक्षा संस्कार होता है और एक रस्म निभाई जाती है जिसमें नए सदस्य अपने बॉस के साथ बात करते समय शराब पीता है। नए सदस्य का बॉस उसे मिट्टी की प्याली में थोड़ी सी मदिरा परोसता है और खुद की प्याली में पूरी मदिरा डालता है, जिसका अर्थ है याकूजा गैंग में ऊंचे पद पर होना है। मतलब मालिक को ज्यादा और नए सदस्य को बस थोड़ी सी मदिरा दी जाती है।
साथ बैठकर शराब पी लेने से नए सदस्य ऑफिशियली याकूजा के मेंबर हो जाते हैं। फिर उस सदस्य को अपने पूरे बदन पर टैटू बनवाना पड़ता है। एक भयानक रिवाज ये भी है, जब भी याकूजा के किसी मेंबर द्वारा गलती हो जाती है तो उसके बॉस को परेशानी होती है, तो सजा के तौर पर उस सदस्य को अपनी एक उंगली काट कर बॉस को देनी पड़ती है। यहाँ कटी हुई उंगली माफी का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, अगर उस सदस्य से दोबारा फिर गलती हो जाती है तो उसे अपनी बाकी की उंगलियों को भी काट कर देना पड़ता है। ये कटी हुई उंगलियां और बदन पर बने अजीबोगरीब टैटू याकूजा मेंबर की पहचान बन गए हैं। वर्तमान में सरकार और प्रशासन इस गैंग से काफी परेशान रहते हैं। अब याकूजा व्हाइट कॉलर वाले क्राइम्स को भी अंजाम देने में माहिर हो गए हैं। याकूजा के खास मेंबर सो कई आप बड़े बड़े कंपनियों से टॉक खरीदते हैं और तब तक खरीदते हैं जब तक उन्हें स्टाफ मीटिंग में जगह न मिल जाए। एक बार जैसे ही कंपनी इनके हाथ लग जाती है तो ये बाकी सारे सदस्यों को धमका कर अपने अंडर में ले लेते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। एक बार इनके चंगुल में कोई कंपनी फंस गई तो फिर मान लीजिए उसकी बर्बादी तय है। याकूजा के कई मेंबर्स बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम भी करते हैं। उनका काम होता है इमारतों को खाली करवाना ताकि उसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। आज याकूजा चार समूह में बंटकर पूरे जापान में कहर ढा रहा है, जिनके नाम है यामागुची गुमी, सुमियोशी काई, इनागावा काई, अजे कोतेशु काई। इसके अंदर भी याकूजा कई गुटों में बटा हुआ है और अलग अलग कामों में जुटा हुआ है। जापान में जितनी भी ड्रग डीलिंग होती है वो सब याकूजा ही करवाता है। ये वो गिरोह हैं जिसके बारे में कहा जाता है इसने पूरी दुनिया में अश्लीलता को फैलाया है। जी हाँ, ये गिरोह पोर्न फिल्मों के काम में शामिल है और इसी गिरोह के जरिए ऐसी अश्लील फिल्मों की सप्लाई गैर कानूनी तरीके से होती है। पोर्न इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपराधी दुनिया की हजारों लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल भी करते हैं। यही नहीं, अपने इस धंधे को मजबूत बनाने के लिए ये गिरोह दुनिया के कई देशों में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां भी सप्लाई करते हैं और दुनिया भर से लड़कियों को धोखाधड़ी से नौकरी का लालच देकर जापान लेकर आते हैं, फिर उनसे गंदे काम करवाते हैं। गैर कानूनी तरीके से लोगों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के काम में तो याकूजा को महारत हासिल है। आज जापान में जितने भी क्राइम्स होते हैं उन सबके लिए जिम्मेदार याकूजा ही है। छोटे मोटे क्राइम्स को करने में लोग पुलिस से ज्यादा याकूजा से डरते हैं, क्योंकि एक बार इस लाइन में कोई आ गया तो याकूजा उसे या तो अपनी टीम में ले लेता है या फिर मार डालता है। याकूजा के इतने सारे काले कारनामों को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। 2007 में सरकार ने कई तरह के कानून बनाए जिसके कारण याकूजा का प्रभाव कम हो सके और पूरी तरह से बंद भी हो सके। सरकारी ऑफिसर और पुलिस की मेहनत से याकूजा का प्रभाव काफी हद तक कम भी होने लगा है। इन कानूनों के आने के बाद याकूजा की आबादी केवल 18,000 रह गई। अब आप सोच रहे होंगे, हमने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि याकूजा किस तरह गरीबों का मसीहा बनने का नाटक करता है। दोस्तों, याकूजा अपने आप को मसीहा इसलिए कहता है क्योंकि जब सरकार के बनाए गए कानूनों से इनका प्रभाव कम पड़ने लगा तो ये लोग समाज सेवा में शामिल हो गए। समाज में मौजूद गरीब वर्ग की याकूजा मदद करता है। कभी कोई आपदा आए तो सबसे पहले याकूजा अपने मेंबर्स को भेजकर लोगों तक मदद पहुंचाता है। 2011 में आई सुनामी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके तबाही से सरकार भी पस्त हो गई थी। तब याकूजा ही सबसे पहले लोगों तक मदद लेकर आया था, उन्हें खाना पानी से लेकर रहने के लिए जगह दी। आज जापान में कहीं भी गरीब समाज के बारे में याकूजा को पता चलता है तो वो सबसे पहले मदद के लिए दौड़ आता है। कोई भी पिछड़ी जाति या फिर जिसे समाज से निकाला गया हो उसे याकूजा अपने परिवार की तरह स्वागत करता है। जब भी याकूजा से मदद मांगने के लिए कोई जाता है तो याकूजा उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजता। एक और बात हमें आश्चर्यचकित करती है, कल तक जुर्म की दुनिया में एक तरफा राज करने वाला याकूजा समाज आज किसी भी आदमी को परेशान नहीं करता, और जब भी कोई इनके पास अपनी परेशानी लेकर आता है तो ये लोग उसकी परेशानी को पूरी तरह से दूर कर देते हैं, और जब तक सामने वाले व्यक्ति की समस्या दूर नहीं होती ये लोग खुद उसे सहारा देते हैं। तो कुछ ऐसी है याकूजा गैंग की कहानी, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान है तो गरीब लोग खुश हैं। गरीब याकूजा को अपना मसीहा मानते हैं क्योंकि जब सरकार भी उनका मदद नहीं करती तो याकूजा वहां मौजूद होता है, और यही सब बातें कहीं ना कहीं याकूजा को मसीहा बनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, याकूजा सचमुच एक मसीहा है या फिर खुद को बचाने के लिए उसने समाज सेवा का ढोंग रचा रखा है? आपका आंसर कमेंट में जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।